ट्रेवल करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है गाड़ी। तो गाड़ी हमारे सदर से साफ कर रहे और फिर निकलते हैं अलाई की तरफ। ये ताकोट हम लोग जो है ना घूमने जा रहे हैं, और लेकिन ये ताकोट का जो है ना खसूसी चीज़ है, पता नहीं मेरे को इसको उर्दू में नाम नहीं आता है इसको क्या कहते हैं, लेकिन हाँ है मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त है। और ये लोकेशन आप देख सकते हैं, नीचे आबासीन दरिया है और हम लोग जो आ रहे हैं अलाई की तरफ, और बहुत ही मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। एक घंटे के करीब हो गए हम लोग रवाना है अलाई की तरफ। रवाना है मंजिल की तरफ। ये बहुत ही ऊपर जगह है, वहाँ जाके आपसे ड्रोन फुटेज से आपको सब व्यूज़ दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं आप, और ये रोड बिल्कुल दो, इसमें दो गाड़ियाँ चलती है, ऊपर से अलग और नीचे से अलग। ये नीचे का नज़ारा देखें, नीचे कितना, ये और भी ऊपर जाना है हमें, और इंशाल्लाह के लिए वजू का हम पहुँच गए हैं, वजू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज़ पढ़ लिया, लेकिन ये पानी का शोर, और ये बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ही ज़बरदस्त। हमने इससे वजू कर लिया, और नवाब लोग ये लोग पीछे बैठे हुए, और हमने नमाज़ पढ़ लिया। सिर्फ तस्लीम खान रह गई है, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद जाके देखें। ताकोट से बहुत ही ऊपर था, पहाड़ी था, और हम लोग वहाँ आए, और लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है ऊपर का, लेकिन हम लोग ज़्यादा रुके नहीं और निकल गए, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा, यहाँ जल्दी अंधेरा हो जाता है। और ये आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ से व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से धूप आ रही है, इसलिए आपको सही नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमें जिस तरह नज़र आ रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत। और हाँ, हम इस गाड़ी में आए थे, और ये हम कज़न है साथ में। Thank you.